इस तरीके का बहुत सारा चीज सियारा लियोन में मिलता है जो यहाँ का लोग इस्तेमाल नहीं करता है। उसको ऐसे ही पेड़ में छोड़ देता है या तो पेड़ से गिर के नीचे जमीन पे जब उसको वो खराब हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारा चीज़ें यहाँ पर जो यहाँ का लोग इस्तेमाल करना नहीं। और देखिए वेदर कितना मस्त, वेदर जबरदस्त है, बारिश होने का संभावना है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी हूँ वेस्ट अफ्रीका का देश सियारा लियोन में। और इस देश में लोग बहुत ज़्यादा मीट पसंद करते हैं, मीट, चिकन, वेजिटेबल यहाँ पर बहुत कम इस्तेमाल करते हैं खाने में। तो यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ आपको दिखाते हैं इस देश में ना, कुछ ऐसा चीज़ है जो इंडिया में लोग बहुत पसंद करता है और इस्तेमाल में लेता है, लेकिन यहाँ पर उस चीज़ को इस्तेमाल किया ही नहीं जाता है, मतलब एकदम ना के बराबर इस्तेमाल किया जाता है। और हर जगह इसका पेड़ मिल जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल किस तरीके से है शायद इन लोगों को पता नहीं है, और जो भी पता है थोड़ा बहुत वो इस्तेमाल करता है। बात कर रहे हैं टामारिंड का, टामारिंड मतलब इमली, इमली का चटनी, इमली का बहुत सारा चीज़ इंडिया में बनता है, बट सियारा लियोन में इमली का कोई भी सामान हमको आज तक नहीं मिला। और यहाँ का लोग भी खाता होगा कि नहीं हमको आज तक पता नहीं है, लेकिन इमली का पेड़ हर जगह हर गांव में आपको मिल जाएगा। तो ऐसे एक गांव है अभी, ये सियारा लियोन का एक गांव में मैं अभी हूँ, और देखिए मेरे पीछे एक इमली का पेड़ मेरे को दिख रहा है जिसमें बहुत सारा इमली लगा हुआ है। इंग्लिश में इमली को शायद टमारिंड कहते हैं, तो टमारिंड जिसको हम लोग पानीपुरी में, पानीपुरी का जो पानी बनता है उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और टमारिंड का चटनी होता है, मतलब इमली का चटनी होता है, बहुत सारा चीज़ बनता है इससे। देखिए ये है इमली का पेड़ और इसमें कितना सारा इमली लगा हुआ है। यहाँ पर लोग इसको इस्तेमाल नहीं करता है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ये टमाटर मिलता है, मतलब इमली मिलता है। इमली का पेड़ यहाँ पर हर जगह में, हर गांव में आपको मिल जाएगा, लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं करते यहाँ का लोग। कितना ज़्यादा मात्रा में लगा हुआ है, ये दिख रहा है आपको। तो सियारा लियोन में ऐसी बहुत सारा चीज़ें जो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो ऐसे एक गांव में मैं अभी हूँ, और यहाँ पर मेरे को एक दिखा टमारिंड का, मतलब इमली का पेड़, और देखिए मेरे पीछे जो दिख रहा है वही है इमली का पेड़, और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लगा हुआ है, लोग इसको इस्तेमाल नहीं करता है। कुछ दिन बाद ये सारा इमली ज़मीन पर गिरा हुआ मिलेगा, लोग इसको इस्तेमाल नहीं करेगा। और इस तरीके का बहुत सारा चीज़ सियारा लियोन में मिलता है जो यहाँ का लोग इस्तेमाल नहीं करता है। उसको ऐसे पेड़ में छोड़ देता है या तो पेड़ से गिर के नीचे ज़मीन पर जब उसको वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारा चीज़ें यहाँ पर जो यहाँ का लोग इस्तेमाल करना नहीं जानते। तो अभी मैं हूँ जिस गांव में, इस गांव के अंदर ना एक छोटा सा फार्म बना हुआ है। फार्म मतलब जिसको आप देख करके जंगल आपको लग सकता है, लेकिन ये जंगल है नहीं, इसके अंदर ना पोटैटो लीफ मतलब आलू का खेती चल रहा है। और इसी के बगल में मैंने देखा एक जगह में ना छोटा सा एरिया में ओनियन लगाया गया है, ओनियन मतलब प्याज। और यहाँ पर प्याज का दाम बहुत महंगा है, तो बट यहाँ पर लोग ना प्याज को उगाता नहीं है, उसका जो लीफ है उसी को खा लेता है, मतलब प्याज ग्रो होने से पहले ही उसी का लीफ को गबन कर जाता है। और देखिए वेदर कितना मस्त, वेदर ज़बरदस्त है, बारिश होने का संभावना है, और हमको यहाँ से निकलना भी है। देखिए मेरे पीछे कॉर्न मोर्न लगा हुआ है, कॉर्न भुट्टा वगैरह लगा हुआ है।
लगा हुआ है ओनियन, छोटा सा एक एरिया में ओनियन लगा हुआ है और पूरा एरिया में ना वो पोटैटो लीफ और बाकी सारा चीज़ लगा हुआ है। यहाँ पर एक नींबू का छोटा सा पेड़ भी है और यहाँ पर देखिए चिकन भी है इस गांव में। देखिए छोटा सा ओनियन का खेत, लेकिन क्या है कि इसके अंदर में जो ओनियन है ना इसको ये लोग निकालेगा नहीं, उससे पहले इस पत्ता को काट करके ना इसका प्लासेस वगैरह बना करके ये लोग खा जाएगा। तो ये है एक ओनियन का छोटा सा खेती और देखिए पूरा गांव, छोटा छोटा घर, कुछ काम भी चल रहा है और यहाँ पर देखिए भुट्टा भी लगा हुआ है और यहाँ पर एक छोटा सा पार्लियामेंट गाँव है जहाँ पर कुछ लोग दूर में कुछ बेच रहे हैं, छोटा सा छोटा छोटा टूल में बैठ करके लोग कुछ बेच रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा दुकान है, मतलब इस गांव के हिसाब से ये दुकान बहुत बड़ा है।